yatrā'ste'sau śārādā devī kāśmīra puravāsinī tvāmahaṁ prārthaye nityam vidyādānaṁ ca dehi tvame tadaye mana āyuṣmāno goṣmāno śveṣamīrṣaḥ vīrān māno rudra bhāvito hate avishmanto namasā vidhemate नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी ಶಿಶೇಖರಾಯ ನಮಃ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ಶೂಲಪಾಣಯೇ ನಮಃ ಖಡ್ಗಾಂಗಿನೇ ನಮಃ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ಹಿಮವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ಅಂಬಿಕಾನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ಭವಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಯ ನಮಃ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಉಗ್ರಾಯ ನಮಃ ಕಪಾಲಿನೇ ನಮಃ ಕಾಮಾನಯೇ ನಮಃ ಅಂಧಕಾಸುರಸೂದನಾಯ ನಮಃ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃ ಕೃಪಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ಭೀಮಾಯ ನಮಃ ಪರಶುಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ಮೃಗಪಾಣಯೇ ನಮಃ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನೇ ನಮಃ ಕವಚನೇ ನಮಃ ಅಠಾಲಾಯ ನಮಃ ಚಂದ್ರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾಂಗಾಯ ನಮಃ ವೃಷಭಾಕೃಷಾಯ ನಮಃ ತಸ್ಮಾದ್ವಲಿತ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ಸಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಯಾಯ ನಮಃ ಪ್ರೇಮೋತ್ತರೇ ನಮಃ ಅನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಖ್ಯಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಿಷೇ ನಮಃ ಯಜ್ಞಮಯಾಯ ನಮಃ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ ಹಿರಣ್ಯಕೇತಸೇ ನಮಃ ದುರ್ಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ ಗಿರೀಶಾಯ ನಮಃ ಗಿರೀಶಾಯ ನಮಃ ಅನಘಾಯ ನಮಃ ಉಜ್ಜಲಿಂಗಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ಭರ್ತಾಯ ನಮಃ ಗಿರಿಧನ್ವನೇ ನಮಃ ಗಿರಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಉಜ್ಜಿತವಾಸಯ ನಮಃ ವರಾರಾಧನೇ ನಮಃ ಭಗವತೇ ನಮಃ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ವೇ ನಮಃ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ಕಾಮಕೇಶಾಯ ನಮಃ ಆರ್ಯೇಂದ್ರನಾಯ ನಮಃ ಚಾರುವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ಸುರಾಯ ನಮಃ ಭೂತಪತಯೇ ನಮಃ ಬುದ್ಧಿಯಾಯ ನಮಃ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ಅನೇಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಸಾತ್ವಿಕಾಯ ನಮಃ ಸುಲಲಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ ಖಂಡಪರಶವೇ ನಮಃ ಅಜಾಯ ನಮಃ ವಾಸವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ಪುರಾಯ ನಮಃ ಸುಭದ್ರೇ ನಮಃ ದೇವಾಯ ನಮಃ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ಹರೇ ನಮಃ ಪುರುಷದಂತಭಿದೇ ನಮಃ ವ್ಯಗ್ರಾಯ ನಮಃ ಪಕ್ಷಾಧ್ವರಾಯ ನಮಃ ಹರಾಯ ನಮಃ ಅಗಣೇಂದ್ರಮಿದೇ ನಮಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಸಹಸ್ರಪದೇ ನಮಃ ಅವಲೋಕಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ದೇವಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಯ ದೇವಾಯ ನಮಃ ಈಶಾನಾಯ ದೇವಾಯ ನಮಃ ಸುಭದ್ರೇ ದೇವಾಯ ನಮಃ ರುದ್ರಾಯ ದೇವಾಯ ನಮಃ ಭೀಮಾಯ ದೇವಾಯ ನಮಃ ಮಹದೇ ದೇವಾಯ ನಮಃ ಈಶಾನಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉಪಹರಿ ಸವಾರಿ ಅಪರಿಹಿಂದ್ಯತೆ ರುದ್ರಸ್ಯಾಂತರೇ
नंदी क्षेत्रे हरावास प्रासादे द्युचरा पिताः अद्यापि यत्र यज्यन्ते पूजा चंदन बिंदवः नंदी क्षेत्रे हरावास प्रासादे द्युचरा पिताः अद्यापि यत्र यज्यन्ते पूजा चंदन बिंदवः नंदी क्षेत्रे हरावास प्रासादे द्युचरा पिताः अद्यापि यत्र व्यज्यन्ते पूजा चंदन बिंदवः असंता पार्हतां जानन्त्यत्र पित्रा विनिर्मिते गौरवादिवतिग्मां शूर्धत्ते ग्रीष्मे प्रतिव्रताम् असंता पार्हतां जानन्त्यत्र पित्रा विनिर्मिते पार्हताञ्जानन्त्यत्र पित्रा विनिर्मिते गौरवादिवतिग्मां शूर्धत्ते ग्रीष्मे प्रतिव्रताम् असंता पार्हताञ्जानन्त्यत्र पित्रा विनिर्मिते गौरवादिवतिग्मां शूर्धत्ते ग्रीष्मे प्रतिव्रताम् ओम नमः शंकराय नमः शंकराय कश्यपेन तदन्तस्थं घातयित्वा जलोद्भवं निर्ममे तत्सरो भूमौ कश्मीर इति मण्डलं कश्यपेन तदन्तस्थं घातयित्वा जलोद्भवं निर्ममे तत्सरो भूमौ कश्मीर इति मण्डलं कश्यपेन तदन्तस्थं घातयित्वा जलोद्भवं निर्ममे तच्चरो भूमौ कश्मीर इति मण्डलं कश्यपेन तदन्तस्थं घातयित्वा जलोद्भवं निर्ममे तच्चरो भूमौ कश्मीर इति मण्डलम् शारदे पाहि मां शंकर रक्ष मां 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 शारदे जब एक ही चैतन्य
सर्वत्र विराजमान और इस पर द्वेष करे, इसलिए ये आत्मवत् सर्वभूतानि ये संदेश हमारे पूर्वजों का है। कश्मीर के लोग पहले से ही सुसंस्कृत है। हम आप सभी लोगों को हमारे आशीर्वाद देते हैं। एक जमाने में भारतीय उपमहाद्वीप में शारदा पीठ ज्ञान का केंद्र माना जाता था। शास्त्र और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में देश भर के विद्वान पूरे देश भर से यहाँ आते थे। आदि शंकर स्वयं यहाँ आए, माँ की आराधना के लिए उन्होंने स्तुतियां भी बनाई। और मित्रों, ये जो शारदा लिपि है वो हमारे कश्मीर की मूल लिपि है, जिसका नाम भी माँ के नाम के आधार पर रखा गया है। ये महाशक्ति पीठों में से एक है। हमारी कथाओं के अनुसार सती का दाहिना हाथ यहाँ पर गिरा था और सागर मंथन के बाद जो अमृत निकला वो भी देव की कृपा से मैना यहीं पर लेकर आई थी। उसमें से जो दो बूंद गिरी वो यहाँ पर मूर्ति के रूप में प्रस्थापित की गई। ऋषि सांडिल्य के एक खोज को आज फिर से एक बार श्रृंगेरी पीठ के विद्यमान शंकराचार्य जी की कृपा से आज पूरा देश मूर्तिमंत होते हुए देख रहा है। ये हम सब सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत गर्व और संतोष का विषय है। मैं मानता हूं कि आदि शंकर के समय में स्थान की जो भव्यता थी वो भव्यता हम सब मिलकर वापिस ले आएंगे। माँ शारदा की उपासना का, माँ शारदा के की प्रेरणा से मिले हुई चेतना की जागृति का ये स्थान सालों सालों तक, युगों युगों तक भारतवर्ष में केंद्र बना रहेगा, इसकी मुझे श्रद्धा है। फिर से मैं एक बार श्रृंगेरी पीठ के अभी के शंकराचार्य के श्री चरणों में प्रणाम कर उनके उनसे आशीर्वाद मांगकर उनका धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। और रविंद्र पंडिता जी के नेतृत्व में सारे जो लोग सिविल सोसाइटी के इस स्थान के पुनरोद्धार के लिए दोनों ओर के पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, ये सभी लोगों का मैं अभिनंदन कर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। Give a day.
वागतं देवदेवे श्रीमद्भाग्यात्मिहागता प्राकृतं त्वमदृष्ट्वा मां बालवत् परिपालय धर्मार्थकामसिद्ध्यर्थं स्थिरा भव सुखायनः सान्निध्यं च सदा देवि स्वार्चायां परिकल्पयाम् यावच्चन्द्रावनीशोर्यास्तिष्ठन्त्यप्रतिघातिनःत्वयात्र देवेशि स्थेयं भक्तानुकम्पया देवि सर्वजगन्नाथे त्वं माता सर्वदेहिना येन रूपेण देवेशि त्वया व्याप्तं चराचरम् तेन रूपेण देवेशि स्वार्चायां सन्निधौ भव स्वामिन्यखिल लोकेशि यावच्चन्द्र दिवाकरो तावत् त्वं प्रीतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु मालासुधा कुम्भविबोधमुद्रा विद्याविराजत्करवारिजाता अपारकारुण्यसुधाम्बुराशिं श्रीशारदाम्बाणतोऽस्मि नित्यम् सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते सर्वा बाधा प्रशमनं वैलोक्यस्ताकिदेश्वरे एवमेव त्वया कार्यमस्मत्त्वयि नमस्ते शारदानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं धर्मस्वात्मोचितेषु स्थिरतरधिषणां देहदार्ढ्यं तदर्थं दीर्घं चायुर्यशश्च त्रिभुवन विदितं पापमार्गाद्विरक्तिं सत्सङ्गं सत्कथाया श्रवणमपि सदा दत्त्वा कृपाब्धे विद्यां शुद्धां च बुद्धिं मममललिते सत्वरं देहि मह्यम् नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुरवासिनी तामहं प्रार्थेयं नित्यं विद्यादानं जयि हमें बड़ी खुशकिस्मती हम अपनी समझते हैं कि एक इतने महान जो है हमारे सनातन के हमारे रिलीजियस लीडर कहिए हमारे कुछ भी भगवान शंकर कहिए स्वयं यहाँ कश्मीर की धरती पे कई शताब्दियों के बाद आज यहाँ पधारे हैं। बीच बीच में हमने और भी कुछ शंकराचार्यों को आते हुए देखा है। मैं उसका भी प्रत्यक्ष जो है विटनेस हूँ। इनके गुरु हमारे महासन्निधानम भी कश्मीर आए हैं। शंकराचार्य हिल में उनके दर्शन हुए हैं कुछ समय के लिए। पर इस तरह का भव्य मंदिर का अभिषेक प्राण प्रतिष्ठा होना ये स्वयं में एक बहुत बड़ी बात है और हम सबको खुशकिस्मती ये समझनी चाहिए कि हम अपने आंखों से स्वयं इस क्षण को देख रहे हैं। इसके लिए मैं इनका ऋणी हूँ, जन्म जन्म से ऋणी रहूंगा। अब यहाँ पे इनके जो पुजारी आए हैं वो अपना जो है अपना वेद घोष जो है यहाँ थोड़ा वातावरण को स्वच्छ करें और जो है इस सभागार में इस सभा की थोड़ी शोभा। धन्यवाद। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवत्तसि जायतामास्मिन्राष्ट्रे राजन्य इषव्यः शूरो महारथो जायतां दोग्धीभे दुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धर्योष जिष्णोरथेष्ठाः सभेजोजुवास्य ऋजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यो न ओषधजः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। हरिः ओम्। मैं किन शब्दों से यहाँ स्वागत करूं, क्या बोलूं? शारदा हमारी जो है शारदा देश है, ये शारदा जिसके पीछे हमारा सनातन का पुनर्जन्म जो हुआ है शारदा पीठ से जो हमारी इस टाइम उधर नीलम घाटी में है, नीलम जिला में है, वहां आदि शंकराचार्य जी का जाना, दक्षिणी द्वार खोलना, वहां बहस मुहा मुबाइसे जो हुए जो
डिस्कशन हुए उस टाइम बोध मॉक्स के साथ में, तो हमें इस चीज का गर्व होना चाहिए कि शारदा पीठ का क्या महत्व है, आदि शंकराचार्य जी कौन है, चार मठ स्थापित हुए वहां से आके भारत वर्ष में, और चारों मठ के जो इस टाइम जिस प्रकार से वो चल रहे हैं, हमें उस चीज का भी गर्व है। और जो दक्षिणी श्रृंगेरी मठ है हमारा, इन चार में, चार दिशाओं में, चार मठ में, दक्षिणी से जहां से शंकराचार्य जी महाराज आज पधारे हैं, कल्चरल हेरिटेज में जो ध्यान देना चाहिए उसी की बात आगे बढ़ाते हुए, जब यहाँ पे लोकल्स ने भी साथ दिया, हमने एक कंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई, उसमें यहाँ लोकल तीन मुसलमान भी हैं, एजाज खान हमारे पड़ोसी भी हैं, और हमारे मंदिर निर्माण के मेन निर्माता भी हैं कंस्ट्रक्शन के, हमारे ख्वाजा इफ्तिकार टंगरार से, हमारे रिटायर्ड कैप्टन इलियास, हामिद मीर, और पूरा ग्रुप जो है, मैं किस किस का नाम लूं, सरदार जोगिंदर सिंह को हमने कमेटी में रखा, पांच हिंदू भी हम कमेटी में, वो एक ऐसी एक कमेटी बन गई जिसमें ऑल फेथ कमेटी जिसको बोलते हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, एक कंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई गई, और मंदिर, और मंदिर के आसपास जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, चाहे जियो टावर है, चाहे आप नया रोड देखेंगे, प्रशासन ने तीन दिन के अंदर अंदर शंकराचार्य जी महाराज की विजिट की उपलब्धि में कैसे इस रोड को बनाया, कैसे यहाँ पे वाटर सप्लाई पावर भी थोड़ा अभी कम है, इम्प्रूव होना है, और जिस तरह से जियो टावर चालू हुआ, एक हमारी टूरिस्ट बस चालू हुई 75 साल में, यहाँ हमको फक्र होना चाहिए, हमें बहुत धन्यवाद करना चाहिए प्रशासन का, 75 साल बाद आजादी के बाद पहली बार एक बस यहाँ पे सर्विस हुई, उसमें हम और भी मुतालबा कर रहे हैं एलजी गवर्नमेंट साहब से कि मिनी बस टीटवाल तक रहे, हम यहाँ पे डीसी साहब से भी ये कहेंगे, आग्रह कहेंगे कि वो चमकोट तक जो बस सर्विस है, ये श्रीनगर से 12 सीट की मिनी बस पूरा टीटवाल तक आए, ये सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं है, ये आवाम के लिए, जो काम इन्होंने आवाम के लिए किया, यहाँ की एम्बुलेंस है, यहाँ हॉस्पिटल वर्क, रोड वर्क, ये सब चीज जो है टीटवाल को बॉर्डर टूरिज्म में और वर्ल्ड मैप पे ऊंचा ले आएगी, ये हमारी आशा है। अब श्रृंगेरी मठ का यहाँ पे आना ये एक ऐतिहासिक कदम है, ये सनातन में एक नई परिभाषा, एक नया हिस्ट्री, नया एक चैप्टर है, क्योंकि सन्निधानम का यहाँ पे स्टाइल, उनके पांव पड़ना, यहाँ चरण कमल पड़ना, इस धरती पे कश्मीर की धरती पे, मात्र जो है 50 किलोमीटर दूर पीछे सरोगिनी पीठ, जिस सरोगिनी पीठ से सनातन का पुनर्जन्म हुआ है। अपनी तरफ से डीसी साहब मोमेंटो दे रहे हैं, वो सामने उनसे रिक्वेस्ट करवा जाए, एसएसपी साहब भी आ जाए, और सबसे उल्लेखनीय बात कि यहाँ पे नहाने के लिए घाट, किशन गंगा पे घाट, वो घाट जो है हमारा 3-4 जगह पे यहाँ हुआ करता था, इन्होंने फैसला किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि हम घाट को दोबारा यहाँ पे बनाए, 25 लाख की अनुमानित लागत से, तो सारे हमारे शारदा फॉलोअर्स के लिए, और यहाँ पे सब लोगों को जो है इसका उल्लास है कि एक घाट बनेगा, उसके लिए एक ईंट यहाँ पे इन्होंने लाई है, शंकराचार्य जी स्वयं सन्निधानम जी इसको जो है हाथ पुष्प अर्चन करते हुए इस ईंट को वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा घाट के कंस्ट्रक्शन में, यह बहुत बड़ी बात है, उसके लिए मैं तय दिल से डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। यू मस्ट ऑल नो दैट द काइंड ऑफ एफर्ट, टाइम एंड रिसोर्सेज दैट हैज गॉन इनटू दिस फॉर दिस टू मैच्योर इनटू दिस इवेंट, वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, our Honorable Home Minister, Shri Amit Shah ji, our Honorable Defence Minister, Shri Rajnath Singh ji, our Honorable Finance Minister, Shri Nirmala Sitharaman ji, and our Honorable Civil Aviation Minister, Shri Jyotiraditya Singhya ji. All of them have, through their ministry officials, have finally translated this into a great reality. We owe them a lot, including the National Security Advisor. Now, when it comes to the next thanking, we need to thank
the entire administration of the Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh for doing this event. In fact, it has been to instill confidence and hope in this region. The administration has been doing very big events as they conducted in November for 125 judges. Last month, they did the G20 International Conference. And third in the sequence is this great event and many more to follow. So, the focused effort of the following people needs a worthy of mention in our very, very humble view. The Honorable Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinhaji, Shri Arun Kumar Mehta, IAS, Chief Secretary of the Union Territory of Jammu and Kashmir, Shri Mandeep Kumar Bhandari, IAS, Principal Secretary to the Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Shri Dr. S.D. Singh Janmal, IPS Additional DGP Security of Jammu and Kashmir, Shri Vijay Kumar Bahuri, IAS, Divisional Commissioner of Kashmir, Shri Rakesh Balwal, IPS, the Special Superintendent Police of Srinagar, Shri Minga Sharpa, IAS, Additional Secretary to the Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Dr. Bofode Sagar Dattatre, IAS, DC Kupwara, Major General Girish Kalvia, the commander, the commander head of the Brigade Commando, Brigadier M.K. Das, Commander of the Brigade Commando, and Shri Yognal Manhans, the Special Superintendent Police of Kupwara, including Faisal, the Tasandar Khan, everyone up to the last mile had put their entire effort and heart. And three people really, really need what you mentioned, the Honorable Lieutenant Governor, Shri Bandari Ji, Shri Shepa, and above all, our DC, Shri Sagar. I can only say it is the blessing of Goddess Sharada that all this is happening. This is what I mentioned that day, even today I repeat it. The type of efforts that have gone in, the entire stonework is done within 4 months. And lorry loads of stone granite structures have come from a small place in Vagdevi near Bangalore to this place in 18-ton trucks, 18-tonner. And you all have come in very modernized, comfortable car, but after coming here you say, my back is paining, my front is paining. But those workers, all Kannada workers, they don't know the language, they don't have the taste of this food, they don't have anything to share with. But they stayed here for weeks together to make this structure. That itself is a great blessing of Goddess Sharada and our Jagadguru. Otherwise, this would not have happened. When I met Ravindra Panditaji in Delhi after the dates were finalized, I told him, you don't worry, you be present there. Everything else, Goddess Sharada and Jagadguru will take care. That's what has happened. And so emotionally, even Ravindra Pandita and Mongaji and others who have, like Aijaz Khan and all, who have been with this project for last 1 year, have really know what that has happened because of Goddess Sharada's blessings. It is sheer Goddess Sharada's blessings and our Jagadguru's blessings. We only prostrate again and again and again at the lotus feet for this wonderful opportunity that we were given, and that we were given the strength to do whatever they directed us to do. As a group, on behalf of all of you and every believer who is on this earth, this historic day, I prostrate at the lotus feet, seek their blessings and seek enough strength to do such historical works that are still to be done in this part of India. I am sure if they direct us and if they just say, go ahead, do it, it will be done. This is an example. What we are doing today is an example that our belief will always give results if we believe 100%. This is a great event that has happened. I sincerely thank each and every one who has helped us directly, indirectly, and by giving support, giving physical support, giving financial support, you are giving, providing required infrastructure, all such things in coming to this final historic day. I once again seek the blessings of holiness to all the people who are in and around this Titwal area. They may have different belief, but all of them believe in Sharada land.
all of them vouch that they owe something to Sharada. That is their blood. That can't be changed. They may have a different faith, but they still believe that Goddess Sharada is the protector of this portion of the land. It is their blessings that such people are around here, that we are here among them to conduct this function. The type of support we have received from government, whether it be central government or state government, and army, especially army, is something which we won't forget in our lifetime. We thank you very much, sir, you and all your staff, for whatever support you have done. O Sangam, Madhumati, Kishan Ganga, or Surasati ka, O Sangam mein phir jaye, phir nahaye, aur wahan sarani peeth se hum apna jo hai laabh praapt kare. Main ab Guru Maharaj se request karunga, do teen ke log se aap aaram karenge, to Guru Maharaj apna anugrah bhashan de. यहाँ जितने भी लोग आज उपस्थित हैं, वो सबको जो है, he should feel really proud and your witness to Sannidhanam's visit, and we are all blessed by his visit, and we hope that the next event takes place across at the Sarvajna Peeth पे अगला कार्यक्रम हो, ये हमारी आशा. अद्भुतम दर्शनम येन तस्मै श्रीगुरु मूलम गुरु मूर्ते पूजा मूलम गुरु पद शास्त्र मूलम गुरु अत मोक्ष मूलम गुरु कृपा. जब कल जब हम यहाँ पहले कश्मीर में आए थे, तब हमें बहुत संतोष हुआ था मन में कि हमें ऐसा लगा कि हम एक स्वर्ग में आए हैं, ऐसा हमें लगा था. एक स्वर्ग से दूसरा स्वर्ग में आए हैं. श्रृंगेरी है वो एक स्वर्ग है जहाँ शारदाम्बा का सान्निध्य विराजमान है, जो भगवान ऋष्यशृंग महर्षि की तपस्थली है, वो एक स्वर्ग है. और उस स्वर्ग से जब हम यहाँ आए थे, तब हमें ऐसा लगा कि एक स्वर्ग से हम दूसरे स्वर्ग में आ गए. और ये भी एक बात है कि पूरा विश्व में भगवती शारदाम्बा का दो ही प्रधान स्थान है, एक कश्मीर और दूसरा श्रृंगेरी. ये दोनों ही स्थल है भगवती शारदाम्बा का. अनादिकाल से ये कश्मीर है, और जगतगुरु श्री आद्य शंकराचार्य जी के समय में 1200 साल पहले श्रृंगेरी में भगवती शारदाम्बा की प्रतिष्ठा हुई थी. और शंकराचार्य जी ने धर्म संस्थापन के लिए जिन चार पीठों की स्थापना करने का संकल्प किया था, उनमें से दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी शारदा पीठ को श्रृंगेरी में जो अभी कहा गया कि भगवान ऋष्यशृंग महर्षि के तपस्थली, उसमें शंकराचार्य जी ने शारदाम्बा की प्रतिष्ठा की थी. इससे ही इस पीठ को शारदा पीठ ऐसा नाम आया है. वो भी दक्षिण दिशा का ये पीठ है, इसीलिए दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी शारदा पीठ है. इसीलिए हमें ऐसा लगा कि हम एक स्वर्ग से दूसरा स्वर्ग में आए हैं. दोनों भी स्वर्ग शारदाम्बा का विशेष सान्निध्य है. तो आज हम कल यहाँ आए थे, और पहला श्रीनगर आए थे, और श्रीनगर से बाद में यहाँ तंगधार में आए थे. यहाँ आते ही हम पहला यहाँ आ गए थे तंगधार में, वहाँ से गाड़ी उतरने के बाद सीधा यहाँ आए थे, क्योंकि हम अपने आप को रोक नहीं पाया कि यहाँ आने के बाद पहला मंदिर जाएंगे. कल सुबह तो अवश्य मंदिर जाएंगे ही, वहाँ जाके कुंभाभिषेक करेंगे, लेकिन आज एक बार जाकर वहाँ उसका दर्शन करके, मंदिर का दर्शन करके आएंगे, ऐसा हमारा मन में लगा. तो सीधा वहाँ से हम यहाँ आ गए इस पवित्र किशन गंगा के तट में. ये मंदिर, भव्य शिलामय मंदिर को देखकर हमें बहुत बहुत आनंद हुआ था. तो आज फिर से यहाँ देवी शारदाम्बा का प्रतिष्ठा कुंभाभिषेक महोत्सव को हमारे गुरुदेव जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी, जो इस मुहूर्त का, इस भव्य कार्यक्रम के लिए इस मुहूर्त का निर्णय करके हमें आदेश दिया कि यहाँ जाकर कुंभाभिषेक करके आना है, ऐसा जिन्होंने हमें आदेश दिया, उनकी कृपा से आज हम मंदिर में भगवती की प्राण प्रतिष्ठा और कुंभाभिषेक महोत्सव संपन्न किए थे. ये कार्य, इससे
यहाँ देवी का सान्निध्य और भी बढ़ गया है। विशेष रूप से जैसा अभी अभी कहा कि एक मूर्ति स्वरूप में देवी अभी प्रकट हुई है। सभी लोगों को यहाँ के और विश्व के जो भी आस्तिक लोग यहाँ आएंगे दर्शन करने के लिए, उन सबको भी देवी अवश्य ही आशीर्वाद अनुग्रह करेगी, उससे सभी लोगों को श्रेय प्राप्त होगा ही, इसमें कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है। काश्मीर देश और श्रृंगेरी क्षेत्र, इन दोनों को बहुत ही अनादिकाल से एक विशिष्ट संबंध है। जैसे कि अभी हमने कहा कि श्रृंगेरी क्षेत्र में श्रृंगेरी, हम श्रृंगेरी श्रृंगेरी कहते हैं, ये श्रृंगेरी का असली नाम क्या है, श्रृंगगिरी, उसी को अभी श्रृंगेरी श्रृंगेरी कहते हैं। श्रृंगगिरी जो श्रृंग थे उनकी गिरी है, उनके गिरी है, उनके पर्वत है। मतलब श्रृंग शब्द का अर्थ यह है कि ऋष्यशृंग महर्षि, जिस स्थली में ऋष्यशृंग महर्षि ने तपस्या की थी उस स्थल को श्रृंगगिरी ऐसा नाम आया है। उसका नाम है, पूरा नाम है ऋष्यशृंगगिरी, और उसको हम श्रृंगगिरी और अभी लोग श्रृंगेरी श्रृंगेरी कह रहे हैं। श्रृंगे ऋष्यशृंग महर्षि के उनके पिता थे विभांडक महर्षि, उनका नाम है विभांडक महर्षि, और विभांडक महर्षि के पिताजी थे कश्यप महर्षि। कश्यप महर्षि की ये तपस्थली है काश्मीर, उनका संबंध से ही इस देश को काश्मीर ऐसा नाम आया। कश्यप महर्षि का नाम से ही ये इस देश को कश्मीर नाम आया है। इसीलिए ऐसा एक जो कश्यप महर्षि के पुत्र थे विभांडक महर्षि, उन्होंने बड़ी तपस्या करके भगवान ईश्वर को संप्रीत किया था, तो ईश्वर की कृपा से वहाँ एक भव्य शिवलिंग उद्भूत हुआ था। उस शिवलिंग आज भी वहाँ है, जिसका नाम है मलहानिकरेश्वर लिंगम। जब आप सब लोग श्रृंगेरी आएंगे तब वहाँ जाकर दर्शन अवश्य करना चाहिए। ऐसा इसीलिए ऐसा एक घनिष्ठ संबंध श्रृंगेरी क्षेत्र को और इस काश्मीर देश को है। इसीलिए शायद शंकराचार्य जी ने काश्मीर में जो काश्मीर देश जिस देवता का स्थान है शारदाम्बा, उसी शारदाम्बा को उन्होंने श्रृंगेरी में इसी कारण से शंकराचार्य जी ने स्थापित किया है। ये एक विशेष संदर्भ है। ऐसा एक घनिष्ठ संबंध श्रृंगेरी शारदा पीठ के से इस काश्मीर के शारदा सर्वज्ञ पीठ के साथ ऐसा एक विशिष्ट संबंध भी है यहाँ है। और ये काश्मीर देश हमारा देश का ये मुकुट है, और उस मुकुट में ये आज ये जो शारदाम्बा मंदिर है और ये जो सर्वज्ञ पीठ है, ये उस मुकुट के एक अनमोल रत्न है। इसीलिए ऐसा ये काम अभी देवी की कृपा से संपन्न हुआ है। इस समय में हम आप सबको नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। जब इस काम करने के लिए और हम यहाँ आने के लिए संकल्प किया था, तब इस काम में कई भक्त लोग बहुत ही मेहनत करके हमारी सहायता की थी, और इस संदर्भ में हम आप सबको नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। विशेष रूप से भारतीय प्रशासन और इस जम्मू कश्मीर के प्रशासन के द्वारा हमारी इस यात्रा के लिए और पहला इस मंदिर का निर्माण के लिए भी विशेष रूप से बहुत ही सहायता की गई है। जब हमने उनको सहायता मांगी थी तब उन्होंने बहुत ही उदार हृदय से उन्होंने इसके लिए व्यवस्था की थी। और इस संदर्भ में विशेष रूप से हमारी भारतीय सेना के द्वारा भी एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। एक अच्छी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था, जहां कहीं भी हमें कुछ भी तकलीफ़ न हो, उसके लिए उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था की थी, उससे हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और इस संदर्भ में हम देवी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सबको विशेष रूप से देवी की कृपा प्राप्त हो और उससे सभी प्रकार के श्रेय हम प्राप्त हो, ऐसा हम आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस काम में यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जो सज्जन हैं, उनकी सहायता के बिना ये काम नहीं हो सकता। यहाँ के सभी सज्जन भी इस काम में भाग लेकर बहुत ही उपकार किया था, उन सबको भी हम इस संदर्भ में नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। सबको हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद देकर इस भाषण को यहाँ हम समाप्त कर रहे हैं।
हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। द्वारैर्युक्तं माण्डपैः तच्चतुर्भिः देव्या गेहं यत्र सर्वज्ञपीठं द्वारैर्युक्तं माण्डपैः तच्चतुर्भिः देव्यागेहं यत्र सर्वज्ञपीठं यत्रारोहे सर्ववित्सज्जनानां नान्ये सर्वे यत्प्रवेष्टुं क्षमन्ते यत्रारोहे सर्ववित्सज्जनानां नान्ये सर्वे यत्प्रवेष्टुं क्षमन्ते शारदे पाहि मां शंकर रक्ष मां 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 शारदे पाहि मां शंकर रक्ष मां